हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। ट्रेलर स्टार्ट होता है और हमें सबसे पहले बर्ड्स आई व्यू से इराक का एक खूबसूरत नगर दिखाई देता है। ट्रेलर में अगले सीन में कुछ लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं क्योंकि पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पर लिखा है फ्रीडम अगेंस्ट ऑपरेशन। और उसी चौक में एक के हाथ में स्टॉक दिखाई देता है, उसे यूज किया गया है टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ इराक। और हम आपको बता दें कि ये एक सेट का पार्ट है। अगले सीन में बस में 25 नर्सें दिखाई देती हैं जिन्हें आईसिस अगवा कर लेता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि ये फिल्म रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और ट्रेलर में डायरेक्टर ने भी बताया है कि ये फिल्म ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। उसके आगे के सीन में हमें एक टेररिस्ट का ग्रुप दिखाई देता है। उस सीन को देखा जाए तो असली आईसिस का फ्लैग का कलर ब्लैक होता है लेकिन फिल्म में रेड दिखाया गया है। अगर हम रियल इंसिडेंट की बात करें तो वो लोग नर्सों को किडनैप करके मोसुल में रखते हैं, जो कि हम इस ट्रेलर में भी देख सकते हैं इस टीवी एंकर के स्क्रीन पे। उसके आगे के सीन में दिखाया जाता है एक पोस्टर जो कि विलेन का होता है। विलेन का नाम फिल्म में अबू उस्मान है और असल में इनका नाम है सजार डेला फ्रूज। और इससे पहले इन्हें बॉलीवुड फिल्म बेबी में देखा गया है। बेबी फिल्म में इनका रोल एक डॉक्टर का था। ट्रेलर में दिखाई देता है कि वो उन सभी नर्सों को इराक के सिटी हॉस्पिटल इक्रिट में रखते हैं, जो एक तरह से विलन का हेडक्वार्टर लगता है। वेल, हम आपको बता दें कि इराक में जो हॉस्पिटल था उसका नाम सिटी हॉस्पिटल टिक्रिट था, जिसे बाद में इराकी सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये जो बैकग्राउंड में लोकेशन रखा गया है वो एडिटेड है। अगले सीन में देखते हैं कि इंडिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ठीक ऐसा ही सीन हमने देखा था 2014 में जब नर्सों को अगवा कर लिया गया था। ट्रेलर में इससे इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है और बात हो रही है कि उन टेररिस्ट के हाथों से 25 नर्सों को छुड़ा के लाएगा कौन, तो नाम आता है टाइगर का। वेल, फिल्म एक था टाइगर में हमने देखा था कि वो दोनों कहीं खो गए हैं और उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, लेकिन रॉ की टीम उन्हें कैसे ढूंढती है या फिर इन्हें कैसे कॉन्टेक्ट करके राजी करती है इस मिशन के लिए, अब ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। आगे के सीन में देखते हैं कि जैसे ही टाइगर का नाम आता है वो आइस स्केट के साथ जंप करते हैं। वेल, वो सीन ऑस्ट्रिया का है और ये सीन देख के लगता है कि ट्रिपल एक्स द केस ऑफ एक्सेंडर में वैन डीजल की एंट्री पे देखा था और सलमान को यहाँ देख के लगता है कि ये किसी मिशन पे आए हैं। उसके आगे अबू धाबी का सीन है और हम सीन में अबू धाबी का एक फ्लैग भी देख सकते हैं। ऑटो में बकरियों के साथ सलमान और एक और एक्टर जो बैठे हैं उनका नाम है कुमुद मिश्रा, जो हमें सुल्तान फिल्म में एक ट्रेनर के रोल में दिखे थे। आगे सीन में देखते हैं कि सलमान खान और कुछ लोग ब्लू कलर के कपड़े में हैं और चलते आ रहे हैं। उसमें एक एक्टर दिखाई देते हैं जिसका नाम है अंगद बेदी और इससे पहले अंगद बेदी उंगली पिंक और डियर जिंदगी में देखे जा चुके हैं। और इस सीन को देख के लग रहा है कि ये लोग प्लान करके हॉस्पिटल में घुसने की सोच रहे हैं। उसके बाद विलन अबू उस्मान का एक झलक देखने को मिलता है और माना जाता है कि इस लुक को लिया गया है आईसिस के चीफ अबू बकर से। उसके आगे सीन में कुछ लोग घुटने में बैठे हैं और उनके पीछे लोग बंदूक लेके खड़े हैं, जैसा आईसिस के अधिकतर वीडियो में देखने को मिलता है हमें। और ये सीन उसी से इंस्पायर्ड है। सीन को देख के समझा जा सकता है कि ये लोग घुटने पे जो बैठे हैं वो आर्मी वाले हैं जिन्होंने आईसिस के कुछ लोगों को मार दिया है और ये लोग पकड़े गए हैं और इनका गला काटा जा रहा है। इन सभी सीन्स के बीच में टाइगर और जोया का एक छोटा सा रोमांस देखने को मिलता है। आगे के सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं सलमान के साथ और देख के अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बच्चा टाइगर और जोया का ही है। इस सीन में सभी नर्स प्रे कर रही हैं। ट्रेलर में हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है और ये सभी सीन वही हैं जहां आईसिस वाले आर्मी वालों का सर काट रहे हैं। ये सीन देख के लगता है कि फिल्म का एंड है। बस वाले सीन को देख के लग रहा है कि सलमान उन नर्सों को बस में बिठा के कहीं ले जा रहे हैं और ये ट्रक का सीन देख के लग रहा है कि ये तबका है जब सलमान अबू उस्मान के अंपायर में घुसते हैं। अगले सीन में लॉन्चर चलाना सलमान का वो भी जबरदस्त लग रहा है। ये सीन फिल्म का एंड होगा जहाँ ये लोग सभी नर्सों को लेके दूसरे बॉर्डर पर पहुँच गए होंगे। उसके आगे हम देख सकते हैं कि कुछ नर्सें भाग रही हैं। उसके बाद देखते हैं कि एक नर्स की बॉडी पे बम लगा हुआ है। फिर उसी सीन में टाइगर और विलन का आमना सामना होता है और टाइगर एक धमाकेदार पावरफुल डायलॉग मारते हैं। उसके बाद हमें टाइगर रैम्बो के स्टाइल में बाहर निकलते नजर आते हैं। वेल, हम आपको बता दें कि ये सीन इंस्पायर्ड है हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टालोन से और ऐसा लगता है कि टाइगर का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है अबू इजराइल से, जिसने आईसिस के हजारों सैनिकों को मार गिराया है और उन्हें इराक में रैम्बो कहा जाता है। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो ट्रेलर में देख के लगा। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा। फिल्म प्रेजेंटेड बाय YRF, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय YRF। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।